तो गाइस अभी ये लोग आ गए इधर, हाँ जी मतलब पहुंच गए नैनीताल। और ये महंती, हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और अभी उठ चुके हैं और सुबह सुबह उठ के देखो हम कैसे चौमुख से लग रहे हैं यार। तो अभी चाय बना लिए, चाय वगैरह पीते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करते हैं हम। तो गाइस अभी 11 बज चुके हैं और यहाँ पे फिर बारिश चालू हो गई है। देखो अब क्या कर सकते हैं, मैं तो चाय पी रहा हूँ इस बारिश में, चाय के मजे लेते हैं अब क्या कर सकते हैं। और अभी अमन भाई का कॉल आया, पता लगा कि वो भी घर से आ रहे हैं, तो देखते हैं आप आते या नहीं। बारिश तो हो रही है यार, मुश्किल ही है जहाँ तक आ पाएंगे वो। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम रूम में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। सो गाइस अभी नाश्ता वगैरह तो कर लिया, लेकिन यार अभी मैं कर रहा था ब्लॉग अपलोड और लाइट चली गई। यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी कुछ काम कर रहा होता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाना है। कल छाता खराब हो गई, आज लाइट चली गई, अभी ब्लॉग कैसे अपलोड होगा यार। अब इतनी या तो छोटी मतलब वीडियो वगैरह होती तब तो कोई बात नहीं थी, अभी 10 GB का ब्लॉग कैसे अपलोड करूँ मैं, ये बताओ। इनको देख, हाँ भाई क्या क्या मतलब थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करनी, तुम्हारा लास्ट एग्जाम बचा है भाई कि दो तो, हाँ तो इनके दो एग्जाम बचे हैं और उसके बाद हम जाएंगे फिर घर पे जाके आपको सबसे मिलाता हूँ, मम्मी लोगों से, दीदी लोगों से, रक्षाबंधन में। तो काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं आप चैनल पे। और जाएंगे तो शाम को ही जाएंगे, अभी तो नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। कल थोड़ा सा क्या भी थोड़ा सा मतलब नहीं भी कहते सौरभ भाई, तो इनका थोड़ा हेडेक हो रहा है तो आज नहीं जाने वाले भाई, अब डर लगने लगा है बारिश में भीगने से। वीडियो और हो गई यार, हमारी गैस खत्म हो गई, अब खाना कैसे खाएंगे। सिलेंडर को टीना कर दिया हूँ लेकिन फिर भी वैसे ही चल रही है गैस। तो गाइस सीन अभी कुछ ऐसा है कि हमारा सिलेंडर ही खत्म हो गया यार, अब खाना कैसे खाएं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वो एक छोटा वाला सिलेंडर है हमारे पास बैकअप, उसे भरवा लेते हैं 200-300 रुपए का, क्योंकि बड़ा वाला सिलेंडर तो आज भरा नहीं जाएगा, संडे है। देखेंगे कल या परसों अगर गैस आएगी तो वो वाला भी भरवा लेंगे, लेकिन आज चलते हैं, चलो पहले उसे भरवा के लाते हैं, चले चलो फिर चलते हैं। और यार मन तो नहीं हो रहा है मेरे जाने का, लेकिन मैं अकेला ला नहीं पाऊंगा यार उसे। प्लेन एरिया होता ना तब तो मैं अकेला चला जाता भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। और भाई को दवाई भी खानी है, तो पहले अभी यहाँ दुकान है नीचे हमारे रूम के, तो वहां से कुछ लेके आते हैं। क्या खाओगे बताओ? बोलो केक ले आना, केक फ्रूटी हो या फ्रूटी नहीं ना, तुम्हारा बुखार आ रहा है, फ्रूटी मत पियो। वो अब खा लेना, नमकीन ले आऊंगा और वो एक केक ले आऊंगा, उससे हो जाएगा ना। चलो ठीक है। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ सिलेंडर भराने, और सौरभ भाई तो यहाँ लेट पड़े क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत खराब है और एग्जाम भी है कल, तो अब अकेले जाना पड़ेगा। अमन लोग तो आ रहे हैं वैसे, वहाँ पे मिल जाएंगे मुझे नीचे बस स्टैंड, तो चलो चलते हैं नीचे। Once upon a midnight clearing. गाइस अभी ये लोग आ गए इधर, हाँ जी मतलब पहुंच गए नैनीताल। और ये महंती, ओए तो इधर आ, ये तो मैं करता ही हूँ उसके सामने। तो अभी पता हमें लगा कि अंकल जी ने ब्लॉग देखा कल, कुछ बोला अंकल ने कुछ बोला अंकल ने कुछ सकल तक तो दिख नहीं रही है, ऐसे बोला। अरे हमारी तो दिख रही, अच्छा अभी मेरी तो दिख रही है, अभी रुक जाओ। तो गाइस अभी हम आए सौरभ भाई के लिए कुछ लेने, क्योंकि हमने तो वहाँ खा लिया था और लेकिन वो रूम में रह गया अकेले, तो उनके लिए भी कुछ ले जाना है ना भाई। ये देखो इनके पापा ने कल ही देखा हमारा ब्लॉग, वैसे भी डरने की कौन सी कोई बात है, हम कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं ना भाई। तो अभी चाउमिन पैक करा लिया और अभी हम जा रहे हैं उधर रूम की तरफ। अभी निकिता का कॉल आया था, वो कह रही है कि केक के बारे में पता कर लेना, तो चलते हैं केक वाली दुकान पे। भारती तो आई नहीं यार ब्लॉग में, सही है कोई ना, छोड़ बेचारा कब तक कैसी क्या कह रहे हैं, चलो चलो सही है कोई नहीं यार छोड़ो। अच्छा मुझे चिढ़ाया जा रहा है, मुझसे खा रहे हैं आज सब लोग।
अभी तो अनुपम भी जाना है। क्यों जाना भाई? भौजी का बर्थडे है। कौन भौजी भाई? मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। So guys, अभी केक वाली दुकान में गए थे, वहाँ तो कितने का बताया? 700 रुपए का बताया, 2 पाउंड का पांडा वाला केक। उन्होंने मना कर दिया। तो अभी प्लान ऐसा है, चलते हैं रूम में। So guys, फाइनली रूम में पहुंच चुके हैं और हालत खराब हो गई यार। आज तो कितने मल्ली से तल्ली गया, फिर तल्ली से यहाँ आया पूरा मतलब सिलेंडर लेके। फिर ये लोग भी घर से आए हैं तो इनकी भी थोड़ी ऐसी है, क्योंकि सफ़र करते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। सो गाइस, अभी खाना बन चुका है और ये लड़ रहे हैं। क्या मैंने धोई थी? ठीक है। सो गाइस, अभी खाना खा लिया, बाद में देखना ख़राब हो गए बहुत। कल कटा के आऊँगा मैंने। बाकी जिन लोगों की मर्जी नहीं होती उन्हें हम ब्लॉग में नहीं लेते, इसलिए भारती को नहीं लिया। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। सो गाइस, फाइनली रूम में पहुंच चुके हैं और